नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंग डिजिटल ईरा में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया हूं, न्यू प्लान को समझिए क्या चेंज हुआ है ऑक्सिंग डिजिटल वर्ल्ड में। इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके डिमांड पे मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक का साइज़ कितना हो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। बस इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो इसी टॉपिक के ऊपर मिलेगा। थंबनेल रेडी है, वीडियो रेडी है, बस इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर ऑक्सिंग से जुड़ी हुई नई अपडेट के बारे में आपको पता लगता रहे। मैं आप लोगों के लिए ही आपके डिमांड पे वीडियो बनाता हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा करके कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। देखिए, 10 अगस्त से ऑक्सिंक डिजिटल ईरा का प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हो गया है वो देखिए। पहले क्या सब्सक्रिप्शन चार्ज क्या था, 12,100 रुपया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, 12,100 सब्सक्रिप्शन चार्ज प्लस 18% GST टोटल ऐड करने के बाद हो जाता है 14,278 रुपया, जिसको कैलकुलेशन के लिए राउंड फिगर में हम लोग रखते हैं 14,300 रुपया। देखिए, पहले का जो प्लान था उसमें क्या था, चलिए एक डिवाइडेशन लाइन खड़ी हो गई, ठीक है। पहले के प्लान में था कि शॉपिंग वॉलेट पे 10,255 रुपये आते थे जब 12,000 की एक्टिवेशन से आईडी लगती थी। अभी क्या है, 14,300 सपोज करके चलिए तो 12,100 आपको शॉपिंग वॉलेट में आती है, यानी कि यहाँ से भी यहाँ डिफरेंस है, ठीक है ना डिफरेंस। अब देखिए, 12,100 का यानी पहले का प्लान में क्या था कि 48 वीक मिलते थे आपको, लेकिन अब जो 2,000 रुपया बढ़ा आपका एक्स्ट्रा चार्जेज लगे, GST प्लस जो लगा, यानी 14,300 का जो प्लान है उसमें आपका 52 वीक मिल रहा है। 48 से आपको 52 वीक तक पहुंचाया गया है। इसके बाद टोटल अमाउंट जो होता था वो आप देखिए 29,100 होता था, राउंड फिगर लग के चलिए 2425 गुने अगर 12 कर देते हैं तो 29,100 होता है। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी सुविधा के लिए और हम अपनी सुविधा के लिए राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 29,000 रुपया। और अब का जो नया पैक है, नया पैक नया सब्सक्रिप्शन के साथ इसका जो अमाउंट आपको टोटल आने वाला है वो क्या है, 31,500, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मैं जिस ग्रुप में हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया के बहुत सारे साइट्स पे, तो वहाँ पे जब मैं इस तरीके का पोस्ट अपलोड करता हूँ लोगों की सुविधा के लिए, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आता है उससे मैं समझ गया हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज हैं, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट इनकम 10,200, पहले क्या था, 10,255 का डायरेक्ट इनकम होता था 10%, 1,000 रुपया, यानी कि 1,000 नहीं, ये होता था 1,025 रुपया। अब देखिए कैसे, मैं स्लाइड को चेंज करता हूँ। 10,255 का 10% जब आप निकालिएगा तो काट कूट कर कितना हो जाएगा, 10.25.5। तो हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है, 1,025 रुपया। अब स्लाइड को पीछे करते हैं, 1,025 रुपया, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के अनुसार से मैंने 1,000 रुपये रख लिया। लेकिन अब का प्लान में क्या है, डायरेक्ट इनकम जो होता है वो 12,100 का 10%, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, 12,100 का 10%, ठीक है। ये से दोनों का दोनों उड़ा दिया, अब हो गया ये, यानी कि 1,210 रुपया, ठीक है, जिसे मैंने 1,200 रुपया राउंड फिगर के लिए लिखा है। इसके बाद थोड़ा सा देखिए, अब डायरेक्ट इनकम की हमने बात कर ली, पहले जो आपको डायरेक्ट इनकम मिलता था वो 10% अराउंड 1,000 रुपये के आसपास मिलता था, जो अब डायरेक्ट इनकम आपको क्या मिलने वाला है, 1,200 के आसपास। अब पेयर मैचिंग का देखिए, वाइनरी जिसको हम बोलते हैं, वाइनरी में क्या था, 10,255 का 15% आता था, ठीक है।
तो हमें मिलता था 1539 रुपया के अबाउट, हम 1500 रुपया लेकर के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब का जो पेयर मैचिंग है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी भी लोग 12100 को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर 12100 पर पेयर मैचिंग बना रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं कि वो 10255 पर कैलकुलेट कर दे रहे हैं और ऊपर से फिर कमेंट पे तर्क भी करते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, इतना कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि 12100 का 15% क्या आता है। देखिए 12100 का 15%, 00 से 00 काट दीजिए, अब 121 गुने 15 कीजिएगा, 121 गुने 15 कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1815, ठीक है, इतना रुपया। तो हम राउंड फिगर के लिए 1800 लेके चलते हैं, तो यही वो 1800 है जिसकी मैं चर्चा करता हूँ या चर्चा कर रहा हूँ। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से इस प्लान को समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं वीडियो क्यों बनाया हूँ, मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि अब तक आप हैबिचुअल थे इस पे, इस प्लान के ऊपर, यानी 12100 पे, अब आपको हैबिचुअल होना है इस प्लान के ऊपर 14278 यानी 14300 के ऊपर। जो प्लान आप शॉपिंग वॉलेट के लिए 10255, वीकली वर्क 48 वीक, टोटल अमाउंट 29,000, डायरेक्ट इनकम 10% यानी 1025, और पेयर जो मैचिंग था वो 15% यानी 1539 रुपये बताते थे, अब आपको वो नहीं बताना है, जबकि ये बताना है कि शॉपिंग वॉलेट पे आपका 1201 जाएगा, डिजिटल टास्क जो होंगे वो 52 वीक्स यानी 52 वीक्स के होंगे, टोटल इनकम जो था पहले था 29,000 जो अब है 31,500, डायरेक्ट इनकम जो था वो पहले 10% थी 10255 पर, अब 12100 पर 10% है यानी कि 1200 कुछ रुपया, ठीक है, और पेयर मैचिंग भी 15% आ गया। तो अब आपको कंपेयर सिर्फ इतना करवाना है कि भैया एक काम करो कि जहां आपको लगते थे 12100 तो इसका टोटल आउटपुट आपको आता था 29,100 रुपया, अब है कि आपको 14,300 रुपया लग रहे हैं एक्टिवेशन चार्ज, अब आपको मिल रहे हैं 31,500 रुपया। तो देखिए 2,000 यहाँ से यहाँ बढ़ा, लगभग मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 2,000 यहाँ पे बढ़ा, तो 2,000 यहाँ भी तो बढ़ गया। बस यही चीज़ आपको बताना है और कुछ नहीं बताना है, कि 2,000 उधर से बढ़ रहा है तो 2,000 इधर से भी बढ़ जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पासबुक का साइज क्या होना चाहिए, फ़ोटो का साइज क्या होना चाहिए, आधार कार्ड का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, धन्यवाद।